कालाढूंगी विधानसभा के कोटाबाग ब्लॉक का सियात स्कूल में प्रभारी प्रधान आचार्य कई तरह के कार्यों को करने के लिए विवश हैं। प्रधान आचार्य को बच्चों को पढ़ाने के साथ ही लिपिकीय कार्य भी खुद करने पड़ते हैं। स्कूल में कई कर्मियों के पद खाली पड़े हैं। वहीं स्कूल में बाउंड्री वॉल न होने के चलते स्कूल स्टाफ और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ पशुओं को स्कूल परिसर में टहलते देखा जा सकता है, वहीं विद्यालय भवन के कुछ हिस्से की हालत भी जर्जर हो चुकी है, जिसके गिरने का खतरा भी आए दिन बना रहता है। प्रभारी प्रधान आचार्य ने बताया है कि कई बार विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया है, लेकिन अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं या फिर आंखों में पट्टी बांध ली है, जिससे समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। कालाढूंगी से मुकेश थिम्बाल की रिपोर्ट। जो है कई समय से हमारे यहाँ फौसला आज नहीं है, और फौसला जब से गए रिटायर हुए उसके बाद नहीं आए, नए वाले नहीं आए। प्रिंसिपल साहब नहीं हैं, प्रभारी काम चल रहा है, और क्लर्क में जो कोई नहीं है, क्लर्क स्टाफ नहीं है, वो भी ऐसे ही चला रहे हैं। और यहाँ पर शाम को जो है जो लोग आते हैं ये बीच में होकर जाते हैं, सारे अस्त व्यस्त स्कूल में शराब पी के बोतल वगैरह पी जाते हैं।